अनशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी अध्यापक मेरे साथ हैं, सभी लोग तैयार हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। अब आप लोगों का साथ चाहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। नवनीत सर कल से आप लोगों के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आइए पहले नवनीत सर की बात सुनते हैं और सभी अध्यापकगण अपनी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। नवनीत सर, पहले तो मैं पूरे शिक्षक समाज का धन्यवाद दूंगा कि हम सब एक हैं, और नारे के साथ शुरुआत करूंगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इस गरीबी, इस बेरोजगारी की इस लड़ाई में, इस मुहिम में पूरा अध्यापक समाज आज विद्यार्थियों के लिए सड़कों पर है। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि केवल हमारे अधिकार की मांग है। हम हमारे अधिकार के लिए आज यहाँ पर हैं, और इस अधिकार के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपसे कहा गया था कि धरना आप लोगों का लगातार चल रहा है, आप लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, और कल मैं पूरे शिक्षक समाज और अपने विद्यार्थियों के लिए आप लोगों के माध्यम से आमरण अनशन शुरू कर रहा हूँ। तो सभी सहयोग करें, और मैं अन्य अध्यापकों से कहूँगा कि अन्य अध्यापक भी अपने विचार रखें और सर छात्र को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बात करें। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है हमारे शिक्षक समाज की कि वो छात्रों की लड़ाई सच में लड़ने के लिए आगे आए हैं। बेरोजगारी आज बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भर्तियां पिछले 3-4 साल में नहीं हो सकी। कोरोना तो 3-4 माह से है, लेकिन उससे पहले जो भर्तियां सरकार नहीं कर रही है, भर्ती बोर्ड क्या कर रहे हैं, तो उस सवाल को लेकर आज शिक्षक समाज सामने आया है। और मैं चाहता हूँ कि सभी शिक्षकों का और छात्रों का इसमें सहयोग मिले, और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो कल से नवनीत भाई आमरण अनशन पर बैठेंगे और भर्ती बोर्ड में सरकार को मजबूर करेंगे कि वो छात्रों की बात सुने। आप लोग शेयर करते रहो इस वीडियो को, सभी लोग शेयर कर दो, हर बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। प्यारे बच्चों, देखिए आज हम धरने पर जा रहे हैं और आपका सहयोग हमको चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इसे सहयोग दोगे हमें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे साथ बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छात्रों, आप मेरे साथ वहां पर बोलेंगे, आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। देखिए, हम इस तपती बिल्कुल गर्मी में, जैसे आप एक बजे दोपहर के 1 बजे रोड पर दौड़ते हो, हम आपके लिए दौड़ रहे हैं। तो अब आपका दायित्व है कि आप सहयोग करें, आप हमारे से कदम मिलाकर हमसे 10 कदम आगे चले, और ऐसी हमें उम्मीद करते हैं आपसे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये आवाज गूंजनी चाहिए, ये आवाज गूंजनी चाहिए उन अधिकारियों के पास। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से शेयर करो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और हम आपके जो वैकेंसीज हैं उन्हें खुलवा कर रहेंगे। हम कमिश्नरी पर जा रहे हैं, आज धरने के लिए बैठ रहे हैं, हम डेली आपके लिए संभव प्रयास कर रहे हैं, और हम MP जो हमारे यहाँ के हैं स्थानीय हैं, और विधायक जी सबके पास हम ये ज्ञापन सौंप चुके हैं। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट अगर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, अब जो होगा देखा जाएगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को सब बच्चों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो कि भैया आपके टीचर्स बैठ चुके हैं आप लोगों के लिए धरने पर। किसी भी विद्यार्थियों को सड़क पर नहीं आना है, हम टीचरगण आपकी बात को रखेंगे, आपके मुद्दे को उठाएंगे। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, लव यू। अगली अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा कि आगे का क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए।